मसूरी में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महिलाओं से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भेंट किए, साथ ही उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। इस दौरान पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण महाराज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मसूरी स्थित टाउन हॉल महिलाओं से खचाखच भरा था। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्य अतिथि पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान लोक गायिका रेशमा शाह ने लोक गीत प्रस्तुत किया, जिस पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से हम लगातार रक्षाबंधन का पर्व मनाते आ रहे हैं और आज यहाँ पर कई महिलाएं आई हैं जिन्होंने हमें राखी बांधी है, हमने उनकी रक्षा का वचन लिया है। वहीं पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं, उससे प्रतीत होता है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रति महिलाओं का कितना सम्मान है। पर्व इतना उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ये वास्तव में रक्षाबंधन का पर्व नहीं है, ये रक्षाबंधन का महाकुंभ है कि इस तरह से इन बहनों का इतने भाव से, भावनाओं से इतनी बड़ी संख्या में आना, ये अपने आप में ही एक अद्भुत है, ये अपने आप में ही सब लोगों के लिए एक अनुकरणीय है और इस तरह के आयोजन के प्रति लोगों की भावनाओं से जोड़ने के लिए एक ये उदाहरण है। मैं मसूरी की बहनों के चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें लगातार 3 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया, इनकी दुआओं से मंत्री बना और पिछले 17 साल से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। आज हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई हैं और आज की उपस्थिति ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल भी देहरादून के अंदर ये दृश्य था, कल 15,000 से अधिक बहनें वहाँ पर मुझे राखी बांधने आई थी। इस बात का प्रतीक है कि ये बहनें मेरे पर कितना विश्वास करती हैं। मैं इन बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जितना ये मुझ पर विश्वास करती हैं, ज़्यादा विश्वास मैं इन पर करता हूँ। और आज ये भाई रक्षा सूत्र मुझे जो बहनें बांध रही हैं, इनको वचन देता है कि विश्वास के साथ आपने ये रक्षा सूत्र मुझे बांधा है, ये भाई सदैव आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने वाली महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि आज महिलाओं द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी गई है। इस कार्यक्रम के लिए मैं लगातार 1 सप्ताह से मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित कर रही थी। मसूरी के साथ ही दूर दराज के क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर आए हैं, जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसमें हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, ये एक टीम वर्क है और सभी घर घर पहुंचे। और धन्यवाद करती हूँ पूरी मातृशक्ति का, जो दूर दूर से दुदली, भद्राज, सुआ खोली और मसूरी के प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक बहन पहुंची है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंची है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना स्नेह और विश्वास मंत्री जी पे जताया है और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है गरिमामय तरीके से, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।